साथियों, बाबा गोरक्षनाथ की धरती पर आप सभी के बीच मुझे अनेक बार आने का सौभाग्य मिला है, लेकिन आज का दिन देश के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। आज का दिवस सामान्य दिवस नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा था, उसी मंत्र को आज इतने सालों के बाद किसान के खेत तक, किसान के घर तक, किसान के जेब तक अगर उतारने का काम हो रहा है तो आज के इस पवित्र दिवस पे हो रहा है। आजादी के बाद किसानों से जुड़ी ये सबसे बड़ी योजना आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से मेरे देश के करोड़ों करोड़ों किसान भाइयों बहनों के आशीर्वाद से आरंभ हो रही है। मैं गोरखपुर के लोगों को तो दोहरी बधाई देता हूं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत के साक्षात गवाह बन रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज ही गोरखपुर और पूर्वांचल के विकास से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। 10,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य, सड़क, रेल, रोजगार, गैस जैसे क्षेत्रों से जुड़ी ये तमाम परियोजनाएं इस क्षेत्र के जीवन को आसान बनाने वाली है। इसके लिए गोरखपुर सहित पूर्वांचल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के शुभारंभ के अवसर पर मैं देश भर के करोड़ों किसान परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके अलावा करोड़ों पशुपालकों, दूध के व्यवसाय से जुड़े किसान परिवारों और मत्स्य पालन, मछली पालन और उसके व्यवसाय से जुड़े बहन भाइयों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसानों के लिए पहले की सरकारों ने बातें तो बहुत की, कागज पे योजनाएं भी बनाई, लेकिन उनकी मंशा किसान को सशक्त करने की नहीं, बल्कि किसान को छोटी छोटी चीज के लिए लगातार तरसाने की थी। उनमें किसान का भला करने की नीयत नहीं थी, इसलिए वो किसानों के लिए कभी भी
सही निर्णय नहीं ले सकते थे। भाइयों और बहनों, इसी स्थिति को बदलने के लिए आपने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनाने का अवसर दिया। हमने किसान की छोटी छोटी दिक्कतों पर ध्यान देने के साथ ही उनकी चुनौतियों के संपूर्ण निवारण पर भी काम किया। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। हमारी सरकार बहुत ईमानदारी से कोशिश कर रही है कि देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो वर्ष 2022 तक अपनी आय दोगुनी कर सकें।